नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जून। आज शायद बहुत कुछ मैं आपको दिला सकता हूं याद किया क्या क्या हुआ था इतिहास में, लेकिन आज इस सोमवार की सुबह क्या बदल गया? बदल तो यही गया कि ब्रिटेन अब यूरोज़ोन का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या फाइनेंशियल मार्केट्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? और साथ ही साथ आज सुबह दो गाने आ जा रहे हैं, तेरे बिना जिया जाए ना, और साथ ही साथ तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। क्यों? क्योंकि आज आदि बर्मन का जन्मदिन है। तो ये दो गाने अगर आप देखें, चाहे वो यूरोज़ोन के लोग हों, चाहे ब्रिटेन के लोग हों, चाहे फाइनेंशियल मार्केट्स हों, चाहे ट्रेडर्स हों, चाहे इन्वेस्टर्स हों, सबको यकीनन खूब याद आ रहे होंगे। खैर, शुरुआत करते हैं एसजेएक्स निफ्टी से बाजार के आज के सेशन की। आपके स्क्रीन पर आप देखें तो लगभग 59 अंक नीचे, यानी बुरी यादें शुभखबर की अभी तक जाने को तैयार नहीं। और ऐसे में देखिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम क्या सोच के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं और हम क्या करें। देखिए, आज का दिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड तय करने में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपायरी नज़दीक खड़ी है 8,150। शॉर्ट टर्म में ये दोनों अगर आप देखें जोन जिस तरफ कटे उस तरफ बाजार ज्यादा घूमेगा। 8,000 के नीचे गया तो ज्यादा मंदी, 8,150 के ऊपर आया तो शॉर्ट कवरिंग बाजार में दिख सकती है। और एक और चीज याद रखिए, भले ही बाजार में शुक्रवार को कुछ भी हुआ, ब्रेक्जिट हुआ हो, बाजार 300 अंक गिरा हो, लेकिन बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स ने जो कल किया, यानी शुक्रवार को जो किया, उससे निफ्टी बैंक के डाउनसाइड को यहां से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सरकारी बैंक SBI, PNB, BOB और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स, इसको अपनी थीम बनाकर आप जरूर चलिएगा आज के सेशन में। जी, लेकिन जो क्यूज मिल रहे हैं सबसे पहले उन्हीं की ओर रुख कर लेते हैं। एसजेएक्स निफ्टी हालांकि एक कमजोरी आज भी दिखा रहा है 60 अंकों के आसपास की, लेकिन क्या रुझान रहा यूएस मार्केट में और अभी सभी एशियाई बाजार को क्या हाल है, क्योंकि निकाय हम देख पा रहे हैं जहां पर 100% की मजबूती दिख रही है। रजत के पास चलते हैं पूरी अपडेट के लिए। गुड मॉर्निंग रजत, एशियन मार्केट्स मिक्स नजर आ रहे हैं, एसजेएक्स निफ्टी 125% ऊपर ट्रेड करा है, बाकी एशियाई बाजारों का क्या हाल है और क्या इंडिकेशन मिल रही है आज की शुरुआत से पहले? बिल्कुल, शुक्रवार के कार्नेज के बाद आज भी मिले जुले संकेत निके, अभी आपने बात की 1.5% ऊपर है, लेकिन कॉस्पी, ताइवान, हैंगसिंग, इन पे गिरावट देखने को मिल रही है। चाइनीज मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ओपन होती हुई नजर, इंपॉर्टेंट यह है कि सरकार और जापान के सेंट्रल बैंक की आज अहम बैठक है। इनफैक्ट पहले ही जापान के प्रधानमंत्री ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को करेंसी में स्थिरता के लिए कदम उठाने के निर्देश दे दिए, लेकिन जो निके है वो आज 1.5% के आसपास की तेजी शो कर रहा है। शुक्रवार के सत्र में जो कार्नेज हुआ, जोरदार बिकवाली थी यूएस मार्केट्स पे और यूरोपियन मार्केट्स पे। इनफैक्ट यूएस मार्केट्स 3-4% स्लाइड होते हुए नजर आए, फाइनेंशियल स्टॉक्स टूट रहे थे। 2011 के बाद फाइनेंशियल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, क्रूड नहीं बचा, यहां पर 5% का डेंट पड़ता हुआ नजर आया। एक इकोनॉमिक इंडिकेटर था ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स, अनुमान से ज्यादा गिरावट देखने को मिली 2.2% की। और महत्वपूर्ण ये है कि Q1 GDP फिगर्स का फाइनल जो है Q1 फिगर्स हुए वो कल जारी हो जाएगी। बाजार एंटिसिपेट कर रहा है कि अमेरिका में 0.8-1% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर इससे कम रहता है तो फिर वैसे भी बाजार पे बस बहुत स्ट्रांग हो गई है कि इस बार, इस साल एटलीस्ट ये जो ब्रेक्जिट हुआ है उसके बाद रेट बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम होती चली जा रही है। यूरोपियन मार्केट 7% के आसपास का डेंट पड़ा, फाइनेंशियल स्टॉक्स मेन थे जो यहां पर टूटते हुए नजर आए। तो ग्लोबल क्यूज देखें तो काफी मिक्स है आज के सत्र में। चलिए इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय व्यू लेते हैं। डॉक्टर एनजीओ हमारे साथ हैं बात करने के लिए। एनजीओ, थैंक्स वेरी फॉर जॉइनिंग अस। एनजीओ, इट्स अ रियलिटी नाउ दैट ब्रिटेन इज नो मोर अ पार्ट ऑफ यूरोज़ोन नाउ, बट व्हाट एग्जैक्टली हैज चेंज्ड फॉर यू फ्रॉम दिस मॉर्निंग ऑनवर्ड्स? Well, I think the realization that the British have probably cyanide themselves rather strongly. I'm not au fait with the exact rulings, but it just seems in the banking sector, for instance, that the banks can't go and just sell their stuff out of the UK into the continent anymore as much as that. And then, of course, markets are taking a huge hit because of that kind of stuff. Also, Enzio, now how do you expect global central banks to react to this situation, and where do you place emerging markets like India in this current situation with the risk of trade gathering momentum? Well, I think that basically because it's become such a vortex that everybody will now just seemingly want to get out for a while and just stay out, you know, just not try and be clever moving back in. It would appear though that the markets like India, that those are really kind of concocted arguments in my mind. I would probably be more inclined to dollar cost average into those markets as opposed to getting out of all of them, for the very simple reason that they have very little to do with the actual occurrences in Britain and the EU.
But Andrew, what do you think, what will be the most critical impact of this Brexit on the financial market? I'm just want to talk about the process of rate hike in the US. I mean, the Federal Committee has said that they will go for 2 rate hikes during this year. But do you think that now, going ahead, they will be able to hike rates for 2 terms this year? Absolutely not. I think that the way that Yellen has been behaving, especially up until the run-up of the these two conventions, the Republicans and the Democrats, obviously this July, that she will continue prevaricating and sidestepping the issue. Brexit will be yet another excuse not to do anything for a long time. Maybe once the president has been elected in November, but I suspect that the Democrats have also told her just to hold fire until Clinton is elected. Last question to you, Dr. Enzio. How do you see Indian markets currently in the emerging market universe, especially with the valuation perspective? And second thing, how do you see the foreign flows panning out towards India from here on? Well, India has to be seen in the context of China, and I'm a little bit of a China bear at present, not desperately. I'm not killing China. I just think that at present the economic time of China is not good, whilst the economic time of India is good. So against that context, I think that India will actually fare rather well this year. It's already done pretty well since March, and I think it will continue moving up. Now, the big fly in the ointment is, of course, that your central bank governor is leaving, and that's a huge blow to your country's credibility, in my humble opinion. But I still think that ultimately the economic time in India won't change that rapidly just because there's a new central bank governor, so I would be buying. Okay, Andrew, thanks very much for joining us, and have a nice day. Baba Shukri, aapka is karyakram mein shamil hone ke liye. To Andrew ne kaha, agar aap dekhen, I think is discussion mein sabse critical part kya tha? Dekhiye, Indian markets ke do cheez achhi hui. Crude ka perspective, crude jo tezi aa rahi thi wo nahi aa payegi. Aur dusra cheez ye hai ke US mein rate hike wo at least nahi ho payega in circumstances mein. Indian markets ke liye do key takeaways agar aap dekhen is event ke baad. Zyadatar market voices yahi hai Viren ki jo Fed mein rate hike hai wo 2017 tak ke liye push ho gaya hai is development ke baad. I mean timing karna Dipali mushkil hai. Wo exactly dekhiye Federal Committee jo rate hike karegi wo isi pe karegi ki bhaiya इकोनॉमी कैसा कर रही है. अब शायद वो टाइमलाइन में अपने आपको बांधना ही नहीं चाहेंगे. दीपाली गौरांग शाह हमारे साथ हैं बात करने के लिए. गौरांग, ब्रेक्सिट हो गया और जो होना था, इनफैक्ट आप देखिए एक दिन में आपको नजर भी आ गया 350 पॉइंट अगर आप देखें, निफ्टी रिट्रेस भी हो गया, लेकिन बाजार ने थोड़ा कमिटमेंट भी दिखाया. बाजार ने एक चीज दिखाई, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग मैं कह सकता हूं कि मुझे जो चीज खरीदनी है मैं खरीदूंगा, चाहे ब्रेक्सिट हो चाहे कुछ हो. आपने देखिए पीएसयू बैंक्स में कैसे इंटरेस्ट दिखाया बाजार ने, लॉजिस्टिक्स में क्या एक जरा गति का मैं अगर आपको सिर्फ इंस्टेंस दे दूं, 146 के लो के अगेंस्ट 166 बंद हुआ. तो बाजार ने करना क्या चाहा गौरांग शुक्रवार को, और अब आप क्या करेंगे यहां से? देखिए, ब्रेक्सिट तो हो गया है, लेकिन जो झटके हैं वो काफी लंबे समय तक बर्दाश्त हमें करने पड़ेंगे. वीरेंद्र और सुप्रभात, पहले तो आपको, और रणनीति क्या होगी, बदलाव क्या होगा, क्योंकि शुक्रवार को ये तो पता चल गया पूरे विश्व भर में कि ब्रिटेन या फिर यूके अब यूरोजोन में नहीं रहना चाहता है. और जो विपक्ष की पार्टी ये दावे लगा ही रही थी कि उनको निकलना है, वो आज सुबह तक तो मैंने कोई बयान उनके तरफ से नहीं सुना कि अब देश को वो किस तरफ लेके जाने वाले हैं, उनकी क्या रोड मैप है या फिर क्या बदलाव या क्या नीतियां होगी. बहरहाल उनको छोड़ करके अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हाँ, एक रिकवरी बिल्कुल थी. अब मेरा ये मानना है कि कोशिश सरकार की ये रहेगी कि आप जीएसटी जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करें. जो भी मतभेद है या फिर जो भी एक दो मुद्दे को लेकर के कुछ सहमति नहीं बन रही है, उसके ऊपर निर्णायक तरीके से आप एक मत ला करके खड़े हो जाए, ताकि पार्लियामेंट सेशन जब शुरू हो तो पहले ही दिन सरकार की कोशिश ये हो कि जीएसटी को लागू किया जाए. उसी नजरिए से जो लॉजिस्टिक क्षेत्र में आपने एक ऊपर के तरफ के दायरे देखे, एक अट्रैक्शन था, मैं मानता हूं कि अगर ये हकीकत हो जाती है जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, तो डेफिनेटली इस सेक्टर को और भी ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे. जी, लेकिन चलिए थोड़ा सा डेरिवेटिव डेटा को भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन से शेयर्स अब आपको खरीदने हैं और कौन से बेचने हैं ब्रेक्सिट के बाद. लेकिन डेरिवेटिव्स को देखें तो वीरेंद्र, कैश मार्केट में डेफिनेटली एफआईएस की अप्रोच नेगेटिव रही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि शुक्रवार को जो एक डिप मिला उसको डीआईएस ने यूज किया खरीदारी करने के लिए. क्वांटम भले कम था, लेकिन 115 करोड़ की खरीदारी उन्होंने कैश मार्केट में की है. लेकिन इंडेक्स ऑप्शन को देखते हुए क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं? 2600 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआईएस की ओर से हुई इंडेक्स ऑप्शन में. किन इंडेक्स पर और कौन से लेवल्स पर
उन्होंने बेट किया है। देखिए दीपाली, मैं एक चीज बताऊं, मैं आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि ब्रेक्जिट 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 के चक्कर में अपने कहीं स्टॉक्स से हाथ धो बैठेगा। जरा एक बार सीधे स्टॉक्स पे आइए प्लीज, एक बार दीपक आप दिखाइए SBI, आप दिखाइए PNB, आप दिखाइए BOB, आप दिखाइए इलाहाबाद बैंक, आप दिखाइए गति, इन स्टॉक्स को आप देख लीजिए और फिर जाके बोलिए कि बाजार क्या वाकई बिकवाली के मोड में था या फिर बाजार 300 पॉइंट नीचे खुलने के बाद बाजार ने अच्छे स्टॉक्स को या फिर मोमेंटम को गैदर करने की कोशिश करी। ये उस दिन की स्टोरी थी। मैं देख के बड़ा भौचक्का था PNB को। आपको मालूम है PNB ने क्या किया? PNB ने एक लंबे समय बाद अपने 200 डेमा को टेस्ट किया। तो बाजार कुछ और भी कर रहा था, उसको भी अगर आप देखें ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ब्रेक्जिट पे ध्यान मत दीजिएगा। खैर, मैं शुरुआत करता हूं जो आपने प्रश्न किया था, FIs और DIs की अप्रोच क्या रही, उससे शुरुआत करता हूं। देखिए, FIs कैश मार्केट में नेगेटिव थे, नो डाउट। अगर आप देखें उनकी तरफ से बिकवाली थी 629 करोड़ रुपए की। इसके उलट अगर आप देखें DIs ने थोड़ी बहुत निचले स्तरों पर इंटरेस्ट शो किया, हालांकि ये खरीदारी का पैमाना बहुत छोटा था, 115 करोड़ की खरीदारी। और वायदा कारोबार में अगर आप FIs को देखें तो वहां पर करीब 566 करोड़ की खरीदारी। आइए देखते हैं अपनी पोजिशन के साथ कैसे अगर आप देखें मनूवरिंग उन्होंने छेड़छाड़ करी है। 1768 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा, वहां पर आप देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग उनकी तरफ से काफी हुई, याद रखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग। उसके बाद FIs ने 2692 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन खरीदा और साथ ही साथ 14 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर्स खरीदा है उन्होंने। तो ऑप्शंस उन्होंने काफी हद तक कवर कर लिया, एक बात का सिग्नल ये भी है। अब आइए जरा सीधे आप पुट्स के आंकड़ों पर, कॉल के आंकड़ों पर देखिए। निफ्टी फ्यूचर्स में जैसे कि मैंने कहा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यानी अपने लॉन्ग स्टेट को अनवाइंड किया और मार्केट पर उससे प्रेशर पड़ा। लेकिन अब आप देखिए 8000 की कॉल में 13 लाख, 8100 की कॉल में 20 लाख और 8200 की कॉल में 6 लाख। कन्विक्शन क्या बना, एक सेकंड फिर पूरी उस स्लाइड पे आइए, कि पुलबैक आएगा भी तो शायद ये जो कॉल राइटर है ये सोच के आया है कि 8150 के ऊपर बाजार नहीं निकलेगा। याद रखिएगा इस कॉल राइटर्स और कॉल राइटिंग के बिहेवियर को देखते हुए क्या मैंडेट निकल रहा है कि 8150 नहीं कटेगा। और आप पुट्स को देखिए तो सबसे अगर आप देखें जो डैमेजिंग फैक्टर था पिछले सेशन का शुक्रवार का, वो ये था कि 8000 का पुट राइटर बाहर निकल रहा था। तो मेरे लिए शुक्रवार को क्लोज हुआ है निफ्टी 8088 पे। देखिए क्या है ना, दो चीज फैक्टर है, एक तरफ बाजार एकदम से मंदी में चला गया है, सारे सेंटीमेंट नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन दीपाली शॉर्ट करके इस बाजार देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी शुक्रवार को, तेजी के सौदे कटे, नॉट एग्जैक्टली शॉर्टिंग, शॉर्टिंग के फोर्सेस उतने नहीं है। अब क्या है कि जो भी शॉर्ट खड़ा है उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि यार सीरीज बहुत नजदीक है और मैं अपने क्या ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करूं, शायद वो चीज और बेयरनेस दोनों आपस में टकराएंगे आज। तो मैं क्या इंतजार करूंगा, मैं ये इंतजार करूंगा कि 8000 टूट जाए तो मैं शायद 8000 की पुट एक बार फिर से लूंगा, नई सीरीज की भी ले सकता हूं, जुलाई की सीरीज की भी, क्योंकि मेरे को लगेगा कि प्रवाह जो है ना अब नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और आज के सेशन में अगर दीपाली हमने किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 8150 निकाला तो उसके बाद वो जो मैं कह रहा हूं ना कि साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ शॉर्ट कवरिंग वो ट्रेडर्स पे हावी होगा। तो 8150 और 8000 को मॉनिटर करके चलिए। निफ्टी बैंक पे थोड़ा सा विस्तार से बाद में बात करें।